नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्पेशल चैनल पे। दोस्तों, ये वीडियो खासकर डिग्री पार्ट वन के उन तमाम छात्रों के लिए है जिनका ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है। और छात्रों का बहुत ज़्यादा कमेंट आया कि सर, पॉलिटिकल ऑनर्स वाले छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव व सब्जेक्टिव क्वेश्चन व आंसर प्रोवाइड कराइए जो कि इस बार के एग्ज़ाम के लिए लाभदायक साबित हो। तो मैं इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस वाले छात्रों के पेपर वन और पेपर टू दोनों का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं कोई इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और ससमय उस वीडियो की जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को पेपर वन बताऊँगा, उसके बाद पेपर टू बताऊँगा और उसका आंसर आप लोगों को कहाँ मिलेगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आपको मैं क्वेश्चन पैटर्न बता देता हूँ जो कि पिछले साल किस प्रकार से आपके ऑनर्स में पेपर पूछे गए थे। तो आप लोग देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस वन जो पेपर वन है ऑनर्स 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे कुछ इस प्रकार से, किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दें जिसमें प्रश्न संख्या एक अनिवार्य है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या एक में जो है आपको कुल 10 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें और 10 ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, तो ऑब्जेक्टिव का भी आप लोगों को तैयारी करना है, ठीक है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिए जाएंगे इस हिसाब से टोटल आपको 10 क्वेश्चन देना पड़ता है देता है और आपको एक एक बनाते हुए और इसमें से जो अब बच जाएंगे शेष वाला उसमें से चार क्वेश्चन बनाना है, अर्थात टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या आपको बनानी है वो पाँच क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए आपके जो क्वेश्चन आंसर है उस पर विचार करते हैं। तो इस बार के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोग देख सकते हैं कि नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही उत्तर का चयन करें। तो पहला है, यह कथन किसका है, राजनीति विज्ञान का प्रारंभिक और अंत राज से होता है। तो ऑप्शन भी दिया गया है आप लोगों को, उस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कहाँ मिलेगा, ठीक है। दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप लोग 10वां में भी पढ़े होंगे और अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र नहीं है। देख सकते हैं कौन राष्ट्र नहीं है, ये पता तो आप लोगों को पता ही होगा कि राष्ट्र बिहार नहीं है, ठीक है। इसके बाद है, किसने जनतंत्र की यह परिभाषा की है कि जनतंत्र जनता की जनता के लिए जनता के द्वारा सरकार। ये जो है आप लोगों को बोलना है, ऐसे आप लोगों का ऑप्शन क ही मिल जाएगा, वो सही आंसर है। किसने कहा राजनीति शक्ति की तलाश है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। बहुलवादी समर्थक कौन है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद है, कौन लोकप्रिय संप्रभुता के समर्थक हैं, ये भी याद रखना है। किसने कहा संप्रभु का आदेश ही कानून है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है, किसने राजनीति को व्यवस्था के रूप में बतलाया है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकांकी निर्धन और घृणता अपाशविक एवं अल्प था, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इन सबों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जो है आपको रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर होंगे उनमें पेपर वन के पृष्ठ संख्या 91 से लेकर के 96 के बीच में आपको मिल जाएगा इन सभी क्वेश्चनों का आंसर, ठीक है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहते हैं वो आप लोग कुछ इस प्रकार से रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र का मूल्यांकन कीजिए, या इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, राजनीति शास्त्र की परिभाषा दीजिए तथा इसका क्षेत्र तथा स्वरूप बतलाइए। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको रेखा प्रकाशन के गेस पेपर जो मिलेगा उसमें जो है पृष्ठ संख्या 3 में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के महत्व की विवेचना करें, या इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछ सकता है कि राजनीति शास्त्र की परिभाषा दीजिए तथा इसके अध्ययन के महत्व पर प्रकाश डालिए। इस क्वेश्चन का आंसर रेखा प्रकाशन के पृष्ठ संख्या 9 में मिल जाएगा। इसके बाद है, शक्ति का अर्थ एवं प्रकारों की विवेचना करें, या इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि शक्ति के प्रकारों अथवा विभिन्न आयामों का वर्णन करें, यह भी आपको पृष्ठ संख्या 14 में मिल जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुलवाद संबंधी लॉस्की एवं मेकाइवर के विचारों की समीक्षा करें, या इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि संप्रभुता संबंधी बहुलवादी सिद्धांत
की आलोचनात्मक व्याख्या करें। इस क्वेश्चन का आंसर पृष्ठ संख्या 28 में मिल जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के कार्य संबंधी उदारवाद के मूल सिद्धांत स्पष्ट करें। यह प्रश्न जो है आपको प्रश्न संख्या 32 में मिल जाएगा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन भी उस प्रकार से, आप लोग ज़्यादा पढ़ेंगे तो टाइम लग जाएगा, मैं आप लोगों को थोड़ा क्वेश्चन दिखाते रहता हूँ और उसके बाद जो है मैं इसका PDF फाइल भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो पेपर 1 में जो है कुल 13 क्वेश्चन दिया गया और इन्हीं 13 क्वेश्चन में से आपको 110% क्वेश्चन जो है इन्हीं 13 क्वेश्चन में से पूछे जाएंगे, कुछ जो आपके बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे, तो आप लोगों को तैयारी कर लेना है। साथ ही आपको देखिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जैसे यहाँ पे 2018 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, सभी क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2016 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था पेपर 1 में, वो यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद जो है पेपर 2, दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 वो तो बताया मैंने पहले, वो पेपर 1 था, अब मैं पेपर 2 बताता हूँ पॉलिटिकल साइंस का। तो पेपर 2 भी सेम प्रोसेस रहता है कि आपको 10 क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें से किन्हीं 5 क्वेश्चन का आंसर देना अनिवार्य रहता है, ठीक है। तो इसमें आपको प्रश्न संख्या 1 जो है वो और भी अनिवार्य रहता है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 1 को तो बनाना ही पड़ेगा आपको। तो प्रश्न संख्या 1 में आप लोग जैसे इस बार के एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, निम्न में से किसने कहा स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो आप लोगों को याद होगा, ये तो बहुत अच्छा तरह से याद होगा सभी को। इसके बाद महाभारत महाकाव्य की रचना किसने की, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और कौटिल्य किन के गुरु एवं प्रधान महामंत्री थे, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद है नव मानववाद के प्रेरणा कौन थे, प्रणेता कौन थे, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन दिया गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं। इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर रेखा प्रकाशन के पेपर 2 में 95 से लेकर के 96 जो पेज नंबर होंगे उसमें आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इसके बाद है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय इतिहास राजनीतिक चिंतन के अध्ययन के प्रमुख स्रोतों की विवेचना करें, या इसको इस प्रकार से पूछ सकता है कि भारतीय राजनीतिक विचारों के स्रोतों का उल्लेख करें। इस क्वेश्चन का आंसर रेखा प्रकाशन के पेपर 2 में पृष्ठ संख्या 6 में मिल जाएगा। इसके बाद है 6ठा क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचारों एवं विचारों का वर्णन करें, या इस क्वेश्चन को एक समाज सुधारक के रूप में दयानंद सरस्वती की भूमिका पर विवेचना करें, या भूमिका विवेचना करें, तो ये जो है पृष्ठ संख्या 17 में मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कौटिल्य वाला भी पूछा गया है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है अच्छे तरह से याद रखना है। तो इसमें जो है टोटल 10 क्वेश्चन ही दिया गया पॉलिटिकल साइंस में, तो 10 में से आपको 85% क्वेश्चन जो है इन्हीं क्वेश्चनों से पूछ दिए जाएंगे, इसीलिए आप लोगों को अच्छे तरह से याद रखना है। यहाँ पे जो है टोटल क्वेश्चन दिया गया है 10, याद रखेंगे। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक भी इसमें उपलब्ध हो जाएगा, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि पेपर 1 पेपर 2 में जो क्वेश्चन सब प्रीवियस 2019 में पूछे गए हैं वो यहाँ पे है, जो 2018 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे वो यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद जो है 2016-17 में कैसे पूछा गया था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। इसके बाद 2019-16 में जो कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप इस PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप सभी क्वेश्चन के जो इस बार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर के जो पेपर 1 और पेपर 2 के क्वेश्चन बैंक है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप लोगों को मैंने बता दिया है कि इसका जो आंसर मिलेगा वो रेखा प्रकाशन के देख सकते हैं यहाँ पे रेखा गेस, ठीक है। तो रेखा प्रकाशन के गेस पेपर में आपको जो जो पृष्ठ संख्या दिया गया है आगे उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग कमेंट करिएगा कि अब किस पे वीडियो अपलोड किया जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।